साथ में ही आप खिड़कियों की फ्रेम्स लगाने का तरीका देख लें, दीवार में एंड में इस तरह से आपने ग्राउटिंग करके और उसके बाद आपने ये फ्रेम्स फिल करने हैं। ये देखें यहाँ पर लगाया जा चुका है, इधर लगा रहे हैं अभी, और देखें साल लटकाई हुई है क्योंकि उसको बिल्कुल प्लम्ब में सीध में लगाना है, इस वजह से साथ में वो ये इसको बुलबुल कहते हैं। दिखाएं कैसे इसका प्लम्ब चेक करते हैं। ये देखें ऊपर उसकी रोड है और नीचे वो टकरा रहा है। तो ये तरीका होता है इंश्योर करने का कि आपकी आपका फ्रेम बिल्कुल सीधा है। अगर ये सीधा नहीं होगा तो ये पूरे वॉल के प्लम्ब को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इसी की सीध में फिर दोबारा चुनाई शुरू होगी और ऊपर तक जाएगी दीवार। तो अगर ये सीधा नहीं होगा तो मसला बन जाएगा। ये देखें वहां से भी साल चेक कर रहे हैं, यहां से भी साल चेक कर रहे हैं। तो ये चीज ये देखें ऊपर से जब आप इसको टच करते हैं तो नीचे से बिल्कुल एक सूत्र का फर्क रहना चाहिए, तो तब ये बिल्कुल सीधा होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये अच्छा बजरी कंक्रीट फिल की है। सही है, ये जो हमारे ये जो खसका छोड़ा इसका प्लास्टर है। जी जी, इतना प्लास्टर आ गया, बिल्कुल फ्लश हो। अच्छा, और इसके अंदर बाकी कंक्रीट फिलिंग होगी। ठीक है, फिर इसके अंदर खिड़की इंस्टॉल करेंगे। नाजरीन, बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो है, शॉर्ट सी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मेरी पजीराई जरूर कीजिए। देखते रहिए बिलाल जफर शो, बहुत शुक्रिया। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए।